पता तो लगा लिया घर पे है, लेकिन ये जो ऑर्डर है मैंने अपने हाथ से स्वयं पैक किया तो मेरे लिए बहुत स्पेशल है ये ऑर्डर। लेकिन बहुत दूर आ गए घर से, मैं बहुत डर लग रहा है, 15 मिनट का रास्ता बचा। मतलब मैं तो अपने बहुत गुड़गांव के एंड में आ गया हूँ भाई, कहाँ जा रहा हूँ मैं भाई। सरप्राइज लाऊं किसी के लिए, फोटो मत खींचो तो मान गए। धन्यवाद भैया, धन्यवाद बहुत बार आपके कह रहे फोटो। वो बोल होता ना कि वो माई गेट में बोल होता, मैंने कहा भैया फोटो मत खींचो, इसके तैसे कैसे एंट्री करने दे भैया, हमारी सिक्योरिटी है। तो मैंने कुछ कुछ बना के बना दिया उनको, कि बताया कि भैया क्यों किस पर्पज के लिए आया। काम पे निकलते हैं और किसी और की पार्किंग में लगा के जा रहा हूँ। प्लीज मेरे को गाड़ी मत देना, आई वांट अ मिशन। किसी और की पार्किंग में गाड़ी लगाई, पीछे से गार्ड है, मुझे लगा टोकेगा, वो तो नमस्ते करके चला। नमस्ते सर, मैं नमस्कार, लेट्स गो। वैसे मुझे घबराना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे क्यों घबराहट और एंग्जाइटी हो रही है। चलो भाई, मेहनत से बनाया है, देने जा रहे हैं, अपने हाथों से पैक भी किया, अपने हाथों से बनाया है। जय माता दी। 11th फ्लोर तो आ गए, कहाँ पे है इन दोनों में से है? आई डोंट नो, रिंग द रॉन्ग बेल। अबे कौन सा है यार, यही लग रहा है क्या? अबे क्या सिस्टम है यार, ये वाला। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? अरे बहुत अच्छे, सांची त्रिपाठी हाँ, यस यस है। अरे आपको तो पहचान नहीं, हाँ तो... घी ऑर्डर किया था आपने, ये पहली डिलीवरी है। वेलकम। और ये मैं, मेरी पहली डिलीवरी, मैंने अपने हाथों से पैक किया ये, और आपका ही नंबर निकला। नहीं नहीं, ये तो मतलब कि हमें बहुत खुशी हुई आपको। फ्रैंक बीस ना? जी 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 जी, धन्यवाद। अरे बहुत ही अच्छा लगा आपको देख के, आपसे मिल के, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैं साची हैं घर पे? सुनो भाई, नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? अरे सो नाइस टू सी। मैं ये पहला ऑर्डर आज सिस्टम में निकला, तो मैंने खुद पैक किया आपके लिए, उन्होंने खुद देने हैं इसीलिए। बट सो थैंक यू सो मच, आपने ट्रस्ट किया और ऑर्डर किया। बेसिकली हमको ये था कि आप जो बनाओगे बहुत अच्छा बनाओगे, जैसे आपने डिस्क्राइब किया था ना जी, उसे जी, 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 कि जो है मैं ऐसे मतलब। तो फिर इसको खोल के आप ट्राई करिए मेरे सामने, मुझे बताइए कैसा लगा। मुझे उस चीज का ही बहुत इम्पोर्टेंस। थैंक यू सो मच। हाँ हाँ बिल्कुल, फोटो लेते हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। मैम लगता तैयार होने चली गई। अरे मेरे को बहुत अच्छा लगा आप लोग का रिएक्शन देख के। अच्छा कब से देख रही हैं? कोविड पीरियड के टाइम में, तब से देख रही हैं। अच्छा जब आप दिखाते थे लखनऊ में आप थे। जी 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 मैम, मैं इसका वीडियो बना लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, आप खोलिए। अरे मैम अपने हाथ से की है, मुझे आती नहीं थी, आज जाके सीखी है मैंने पहले। बहुत अच्छा, करते हैं कि आप सच में। और इस तरह की चीजें ना, स्पेशली हम कब से ढूंढे, अभी भी आज भी मैंने एक किसी का घी खोला है। आज आपका कंपैरिजन भी हो जाएगा। बिल्कुल। आपका कैसा है, उनके में कैसा, क्या डिफरेंस? दुख भरी, ऐसा लगा मेरा टेस्ट होने वाला है। ट्राई करिए मैम। होम का जो से मेरी मम्मी बनाती थी ना, हाँ, जिसमें दाने भी मुंह में पता चलते हैं, हाँ, और घी का, शुद्ध घी का जिसको टेस्ट आता है रियली, हाँ, जो हम लोग को खाली दाल में ऐसे खाली डाल दो वाला। मैम इसको वैसे ही खाइएगा, कच्चा जितना खाएंगे उतना अच्छा है। मैं सही बता रहा हूँ, सुबह उठ के इसको सर, आप भी अगर सुबह उठ के एक चम्मच ये खाएंगे, हाँ, खाली पेट और बिना ब्रश करे, और उसके 15 मिनट बाद कुछ भी खाएं, मैम आपको 2 हफ्ते में फर्क नजर आएगा, 2 हफ्ते के अंदर। ये खाली पेट तो हम लोग को थोड़ी लेवर की प्रॉब्लम है, हाँ, तो भी चलेगा। मैम ये शुद्ध घी है, जो लेवर की प्रॉब्लम होती है ना, वो सब एडल्ट्रेशन वाला घी आता है, जो सस्ता घी आता है ना, 500-600 रुपीज का, उसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ ऑयल को हाइड्रोजनेट किया हुआ है ये। और ये बिल्कुल देसी गाय का, एक होती नॉर्मल गाय, वो है नहीं, वो तो मुझे समझ बिल्कुल। आप इसको खाइए मैम, इससे आपकी सारी बीमारियां भी ठीक होंगी, कोलेस्ट्रॉल भी ठीक होगा, बहुत अच्छा आपके लिए, ट्रस्ट मी। क्योंकि मेरी डॉक्टर ने तो मुझसे कहा कि मैं लेट हो गई मम्मी, जब मैं गई तो जो है सब उनका खत्म हो गया था, मैंने बुक कर दिया बेटा। लेवल 1 कंप्लीट, 2 मोर डिलीवरीज टू गो। 8:30 बज गया, बहुत लेट हो गए, भागना पड़ेगा। और इतना अच्छा लगता है दिल से यार, मतलब एक गाना, धन्यवाद, इतनी मेहनत करता है और इतना अच्छा, मतलब लोग प्रोत्साहन देते ना, बहुत अच्छा लगता है यार, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है।
और मेहनत करने का मन करता है। जी जान लगा देंगे, फाड़ देंगे भाई। एक डन, यहाँ से निकलते हैं अभी। अभी दो और डिलीवरी करनी है, एक घंटा लगेगा पूरा पूरा, क्योंकि ये हम बहुत दूर आ गए यहाँ पे डिलीवरी करने। पहुंच चुके हैं सेकंड लोकेशन, लेकिन यहाँ पे भी वो एंट्री की बसड़ होने वाली है यार। तीसरी लोकेशन में फोन किया मैंने, वो बंदे को जिम निकलना, तो मेरे को यहाँ से फटाफट निपटाना पड़ेगा भाई। लौंडा है, जिम निकलना, उसके बाद में मैं समझ सकता हूँ। काफी तगड़ी सोसाइटी लग रही भाई, मतलब बढ़िया बनेगा तो मकान वकान, बढ़िया प्रॉपर्टी भाई। आ गए यार, ये मुझे नहीं लग रहा हम कहीं पहुंच पाएंगे यार, ये गलत फंस गए क्या। इतनी बड़ी सोसाइटी भी क्या फायदा भाई। आज तो मतलब मेरे को रिस्पेक्ट हो गई भाई, जब कुरियर देने आते, डिलीवरी करने आते भाई, भाई लंका लग जाती है भाई एड्रेस ढूंढने, मतलब अरे बाप रे भाई, कहाँ जाना है पता नहीं। बहुत बड़ी जगह यार ये, बहुत बड़ी, कहाँ जाना है पता नहीं चल रहा। कोई बंदा और यहाँ कोई है भी नहीं भाई। अरे यार मैं लेट हो रहा भाई, बहुत ज्यादा नहीं हो रहा, बट इसके बाद जहाँ जाना है वो बंदा घर पे नहीं है, वो मेरे को कॉल कर रहा है टीम को कि मैं निकल रहा हूँ, आपके वो डिलीवरी बॉय नहीं यार, अब डिलीवरी बॉय की यहाँ फट चुकी है भाई। अबे कितना कंफ्यूजिंग एड्रेस है यार, मैं बाहर कैसे निकलूंगा, मैं तो ये तो चक्कर भी हो गया भाई मेरे लिए। यार सर दर्द हो गया ढूंढते ढूंढते, बताइए मैप क्या बता रहा है। अरे मैप छोड़ो, मैप तो कुछ नहीं बता रहा, मैप तो अंदर ही घुमा जा रहा था, घूम रहा हूँ डी ब्लॉक के पास में। अच्छा ठीक, चाह दिया उसमें हमने उनको बिठाई लिया गाड़ी में, बैठो भैया हम ना पहुँच पाएंगे। फिर से टेस्ट होगा घी का अपने, लेकिन अच्छी बात है। पहचान गए आप, धन्यवाद। मैं पर्सनली मैंने कर लिया, अच्छा देख लिया, नहीं सरप्राइज नहीं, आओ बेटे बैठो प्लीज, आओ। थैंक यू सो मच। आज बेटा होता तो वो भी कितना खुश होता। अच्छा और वो अच्छा। कैसे हैं दोनों बच्चियां? दोनों बच्चे ठीक है, दोनों बच्चे ठीक है। रशी और पीहू, पीहू मैं ज्यादा देर नहीं बैठ पाऊंगा क्योंकि लेट हो गया मैं। हाँ तो असली नाम कैसे दे सकता हूँ मैम, तो पहचान जाएंगे फिर आप। अरे वो मेरी फोटो लेते, मैंने कहा सर फोटो मतलब मैं किसी के लिए सरप्राइज लेके जा रहा हूँ। धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। आज तो बहुत अच्छा लगा, शायद हमारा आज कुछ वो चल रहा था अच्छा वाला। मैं चाहूंगा कि आप इसको खोल के ट्राई करें। एक्चुअली क्या है कि हम तो एक साल से कर रहे हैं। अच्छा तो खुद का आपका वो गाय है चटा? अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर तो आप खा के बताइए। हाँ आप तो बिल्कुल ही मतलब आपकी जबान में भी वो पकड़ लेगी चीज ना। बल्कि इसने जैसे ही वो किया ना, ऑर्डर किया, फिर कहने लगी कि अब ऑर्डर बंद हो गए हैं। हाँ सर, क्या एक्चुअली क्या ना, ख़त्म जल्दी हो गए और हमारे पास वो इतनी जल्दी अब बनाने का वो नहीं है। तो और रितु ठीक है? रितु बिल्कुल ठीक है, फ्लाइट पे गई आज। जय श्री गणेश, यहीं से ही अब लिया करेंगे। थैंक यू सो मच। मैम नीचे से लीजिए, पूरा नीचे ना थोड़ा जमा हुआ है और पूरा अंदर मार के। हाँ हाँ हाँ, ये वाला सर करेंगे असली टेस्ट, सर तो वे टू खाते हैं रोज। ऑनेस्ट 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 रिव्यू दीजिए, ऊपर नीचे लगा तो बोलिए ऊपर नीचे। बिल्कुल नहीं फर्क लग रहा है जो हम खाते हैं उससे, मतलब ये लग रहा है जैसे हम बचपन में बच्चे जो होते थे तो घर में। मैं भी जब इसको सूंघता हूँ ना, हाँ। तो मुझे बताएं अपनी दादी क्या आती है, दिस रिमाइंड्स मी ऑफ माय ग्रैंडमदर। हां मेरे को भी यूं ही लगा है कि जैसे हम छोटे होते थे ना, जब जो देसी घी होता था वो वाला टेस्ट है, और ये खाया जा रहा है कच्चा मेरे से। हाँ और मैं रिकमेंड कर रहा हूँ सो कच्चा ही खाएंगे तो आपके हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। सो कच्चा ही खाएं, सुबह एक चम्मच खाली पेट अगर आप लेंगे। मैं लेता हूँ, मेरे को बहुत फर्क पड़ा। अच्छा। मतलब जैसे आप वॉशरूम जाते हैं ना तो आपको फर्क दिखाई देगा। तो मैं खुद ही खा लूंगा बिकॉज़ आई लव दिस चॉकलेट। आपको शायद अंदर आते टाइम बहुत टाइम लगा होगा ना, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। आप ना यहाँ से पीछे वाला रास्ता ले लो। कैसे ना सीधा? ये हाँ ये आपको सही दिखा रहा है, सही दिखा रहा है। हाँ, पीछे से आप एग्जिट कर जाओगे, ठीक है ठीक है। वहाँ से लेफ्ट लेके, लेफ्ट राउंड अबाउट से भी लेफ्ट लोगे आप सीधा द्वारका एक्सप्रेस से पहुंच। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय 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 बाय। भाई बहुत ही अच्छा लगा आज यार इन लोगों से मिलके, मतलब जिनसे भी मिल रहा हूँ ना, लोग इतने आशीर्वाद और दुआएं दे रहे हो, बोल रहे हैं कि आप जो काम कर रहे हो इतना अच्छा कर रहे हो, एंड दैट कीप्स मी सो मच मोटिवेटेड कि यार और अच्छी क्वालिटी देनी है लोगों को यार। और मतलब पुण्य का काम लग रहा है अब तो यार, बिल्कुल ही भाई भूख के मारे हालत खराब हो गई है। मैम ने थोड़ी चॉकलेट दी है, खानी पड़ेगी। Reaching our final destination of the day. लगता है कि अभी जिसके यहाँ जा रहे हैं उनको पता चल गया कि मैं आ रहा हूँ, क्योंकि उनको जिम जाना था और मैंने कहा मैं अपनी टीम को भाई इनको किसी तरीके से बोल के रोको, और वो रुक गए हैं। और अगर उन्होंने जिम छोड़ दिया इस चीज़ के लिए कि मुझे घी खाना, तो शायद उनको पता चल गया कि मैं आ रहा हूँ, बट फिर भी हम ट्राई करेंगे। लेकिन अच्छी बात यह कि ये जगह मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे घर से पास में, तो ये डिलीवरी करके 10 मिनट में घर पहुँच। उस शिट मुझे लगा पीछे कान पे बैठा है, फटके कट चुका है मेरा, क्योंकि यहाँ कोई अपार्टमेंट्स तो दिख नहीं रहे, ये कोई अपार्टमेंट्स तो है नहीं, तो गली में ले आया। ये तो कह रहा है अपार्टमेंट जाना है, गोकुल धाम अपार्टमेंट यहाँ तो नहीं है भाई। अरे प्रभु इतनी रात को मेरे को मत सताओ प्रभु मेरे। गोकुल धाम अपार्टमेंट कहाँ पे है? तो वहाँ पे
कुछ तो लिया है और कह भी यहीं पे रहे। आज अपने को कोई भी अपार्टमेंट एक समय पे मिल क्यों नहीं रहा भैया, ये तो सुनसान गली पे पहुंच गए। तू चुप हो जा गूगल, तेरे को तो कुछ आता ही नहीं है भाई, तू जाके दोबारा से क्लास वन कर अपनी यार। भैया थोड़ा मदद करिए, गोकुल धाम अपार्टमेंट कौन सा है भाई साहब, जगह का नाम बताओ। एक मिनट थोड़ा सा बात करिएगा। सब भी कंफ्यूज हो गए भाई। 24 में दुकान है ना एक, बहुत मुश्किल भाई डिलीवरी का काम। बगल वाला गेट में ना आधा घंटा हो गया भाई गाड़ी को बात करते हुए। जब आप नहीं ढूंढ पा रहे तो हम कैसे ढूंढेंगे, सोचिए। आप तो यहाँ राउंड करते हैं, आपका ड्यूटी है, सोचिए हमें कितना दिक्कत है। कि आप लोग बड़े सेठ हैं, हम लोग छोटा मोटा दो पैसा का आदमी। अरे भैया सेठ होने से रास्ता मिलने का क्या रिलेशन है, हैं? बात सही है। अब चमका, इसमें एंट्री कैसे मिलेगी, करंट वरेंट तो नहीं मारेगा, बहुत मुश्किल से मिला है। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया सर। आपके लिए घी लेके आया है, बड़ी मुश्किल से मिला मेरे को एड्रेस। कैन आई कम इन? अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात, शूज निकाल देता हूँ। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। माता जी नमस्ते। आप हैं आकाश? नमस्ते नमस्ते। सॉरी मेरे को लेट हो जाने में, बिकॉज मेरे को मिल नहीं रहे थे। मैं एक्चुअली जिम ही जा रहा था। सॉरी, आप जिम आपका मिस हो गया मेरी वजह से आज? आज तो हो गया। मैं थोड़ा लेट हो रहा, मेरे घर से 3-4 फोन आ चुके हैं। मम्मी बताएंगी, मम्मी रिव्यू करेंगी। सर फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन आपके नए प्रोजेक्ट के लिए। आप कब से देख रहे हैं चैनल, कैसे जुड़े आप? मैं तो फिट मसल टीवी के टाइम से देख रहा हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, पूरा नीचे से लीजिएगा, नीचे दानेदार नीचे रहेगा। एक एक पहला खाना को लगा दीजिए, फिर इसका स्वाद और बढ़ जाएगा, पूरा प्रसाद बन जाएगा। थोड़ा सा डर लग रहा है, मम्मी ट्राई कर दी तो बोला है मेरे को, ऐसे एग्जाम दे रहा हूँ मैं। अच्छा लगा मैं आपको, आप भी ट्राई कर लो भाई। अच्छा काफी अच्छा है, खाते हैं घी खाना जरूरी है। मैं तो ये प्रमोट करते हैं, प्रमोट करता हूं कि मैं घी खाओ, और घी के साथ साथ जो भी पुराना कल्चर था ना, जो भी खाते थे वो बहुत जरूरी है शरीर के लिए। हमारे टाइम वाला कल्चर दोबारा आ रहा था, मेरी आंख खुल रही है। थैंक यू सो मच। तो भाई का प्री ऑर्डर है और आज ही हो गया, किस्मत है भाई। प्री ऑर्डर वाले तो अभी 4-5 दिन बाद शिप होना शुरू होंगे। तो मेरे को था कि आज कैसे हो गया, आज कैसे वो फोन आ रहा है डिलीवरी के लिए, तो मैं सरप्राइज था। चलो चलो, थैंक यू सो मच। डॉक्टर ने बोला था एक चम्मच घी खाने के लिए। मैम मैं सही बता रहा हूँ, आप सुबह उठ के खाली पेट एक चम्मच घी खाइए, 2 हफ्ते आपको फर्क नजर आएगा। चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। जब मैं लोगों से मिलने गया ना, लोगों ने कहा कि जब आपका प्रोडक्ट आया तो हमें इतना ट्रस्ट था, हमने कहा कि यार ये तो अच्छा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर दिस ट्रस्ट यू हैव शोन इन अस, एंड प्रॉमिस इसको हमेशा हम लिव करेंगे इस फर्श पे, और कभी भी शॉर्टकट्स नहीं लेंगे हम लोग कि प्रॉफिट दिख रहा है तो शॉर्टकट ले लिया। अगर कभी ऐसा हुआ ना तो आप मुझे इस कंपनी से बाहर पाएंगे, मैं कभी भी ऐसी कंपनी के साथ कभी अटैच नहीं होऊंगा जो मतलब प्रॉफिट बनाना जरूरी है। देखिए वो अलग अलग बातें हैं, कल को हम प्रॉफिट बनाएंगे तो लोग कहेंगे उसने कहा प्रॉफिट ही बनाऊंगा, बिल्कुल जरूरी है लेकिन धर्म पूर्वक, तो वो हम हमेशा प्रॉमिस करते हैं, हम उस वादे पे हमेशा कायम रहेंगे। थैंक यू सो मच। मम्मी के 4 फोन आ चुके हैं, सुबह से भूखा बच्चा है, उसको भी चिंता होती है, माँ ना मेरी, मैं जाता हूँ अंदर, अपना ख्याल रखे, बाय।